हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा नोकिया G42 5G फ़ोन है, तो नोकिया G42 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शन आता है कि कैसे आप फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर फ़ोटोज़ एंड वीडियोस को हाइड कैसे कर सकते हैं नोकिया फ़ोन में, और कैसे आप नोकिया फ़ोन की सेटिंग जाकर फ़ोटो एंड वीडियोज़ को हाइड कर पाएंगे नोकिया फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फ़ोन के आइकन्स हैं इस तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे। फिर आपको सेटिंग्स पे जाना होगा, स्विच बैक करना है। बैक करते हैं, फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ को हाइड कैसे करेंगे और शो कैसे करेंगे। तो फाइल ऑप्शंस पे जाना है, तो फाइल ऑप्शंस हमारे फ़ोन में ओपन हो जाएगा। फिर आपको उसमें इस इमेज पे जाना है, जो भी आप फ़ोटोज़ हाइड करना चाहें उसको सेलेक्ट करना है। इस तरीके से थ्री डॉट पर क्लिक कर देना है, तो थ्री डॉट सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। ओपन होते ही आपको ऐसे ऑप्शन आता है मूव टू सेव फोल्डर, तो मूव टू सेव फोल्डर क्लिक करके आपको पासवर्ड डाल देना है। इस तरीके से पासवर्ड डालते जो भी फ़ोटोज़ होंगी हमारे फ़ोन में हाइड हो जाएंगी, और हाइड होती हमारे फ़ोन में शो नहीं करेंगी, क्योंकि हमने इसको हाइड कर दिया है तो इसलिए शो नहीं करेंगी। और जब आप इसको देखना चाहें तो यहाँ देख सकते हैं फ़ोटोज़ वगैरह को। सिंपली तो आपको जाना होगा सेव फोल्डर पे। सेव फोल्डर पे जब आप पासवर्ड डालते हैं तो पासवर्ड डाल के आपके पास सेटिंग्स आ जाएगी, जहाँ से फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ को आप शो कर सकते हैं और देख सकते हैं हाइडिंग फोल्डर में। तो इस तरीके से भी आप फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ को हाइड कर सकते हैं, और अनहाइड करना चाहें तो अनहाइड भी कर सकते हैं, और वापस गैलरी में भी इन्हें ला सकते हैं। सिंपली आपको मूव आउट करना होगा, यानी मूव आउट टू सेव फोल्डर कर देना है, और जो हमारे फ़ोन में फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ होंगी हमारे गैलरी में वापस आ जाएंगी। तो इस तरीके से भी आप फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ को हाइड एंड हाइड कर सकते हैं अपने मोटो फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोज़ को शेयर।